नमस्कार, हम श्री ललित नारायण झा अपने लोगों के बहुत बहुत स्वागत है इस मिथिला मिरर में। प्रद्युम्न घटना के जना कहलो है, एक महीना बीत गए और एक महीना के बाद से कानूनी दाव पेश से कत तक पहुंच गई है। प्रद्युम्न के पिता वरुण चंद्र ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल जी हमारा सबक संग और इनका अथक प्रयास से मामला के बहुत आगा तक लग गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक महीने के बाद जो है कानूनी रूप से हम कहां पाते हैं अपने आप? देखिए, हम इस समय मैं आपको बताऊं कि ये कहानी जब शुरू हुई पहली बार, जब इतनी जघन्य घटना, इतनी क्रूरता से भरी घटना जब हुई जी, और जब मुझे पता चला, तो हम लोगों ने सबसे पहला निर्णय ये लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। ये एक नेशनल कंसाइंस के लिए विकट कौन थी, सारा नेशनल कंसाइंस हिला हुआ था इससे, और एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में ये घटना उभर कर सामने आ रही थी। जिस तरह से इस घटना को मीडिया ने फ्लेयर अप दिया और एक पॉजिटिव एंगल दिया, तो हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कानूनी अंजाम तक इस घटना को हम पहुंचाएं। तो सबसे पहला हमारा संकल्प तो ये था। उस संकल्प के इम्प्लीमेंटेशन में हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की, मेंशनिंग की, सुप्रीम कोर्ट में ने उसको एडमिट किया, नोटिस इशू किया, और सभी स्टेक होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, CBSE, CBI, सारे जो नेसेसरी पक्ष थे, जरूरी पक्ष थे, उन सबको नोटिस जारी किया। अब मैं आपको बताऊं कितना इम्पैक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के उस पिटीशन को एडमिट करने के पीछे, और उसके बाद जो 3 हफ्ते के बाद ये मैटर लिस्ट हुआ जी। तो इसका इम्पैक्ट आप देखो कि कितना चारों ओर चहुंमुखी इम्पैक्ट हुआ उसका। CBSE ने सबसे पहले अपना रिप्लाई दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट से। अभी मैं आपको एक एंगल बता रहा हूं, अभी इसके 2-3 एंगल और हैं, वो उस पर भी मैं आपको प्रकाश डालूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जब संज्ञान लिया और CBSE ने अपना जवाब दाखिल किया, तो आप हैरान हो जाओगे ये देख करके कि पहली बार मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ, इस घटना का इंपैक्ट सुप्रीम कोर्ट के इस घटना के संज्ञान में लेकर, पिटीशन को संज्ञान में लेकर एडमिट करना और नोटिस करना, उसका इतना व्यापक प्रभाव हुआ कि CBSE ने और ऐसी किसी एजेंसी ने पहली बार मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया, कन्फेस किया, एक्नोलेज किया, और स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में इस बात को कहा कि यस, द मर्डर हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द इग्नोरेंस बाय द स्कूल मैनेजमेंट जी। आप ये देखो, मैं एक बात खाली आपको बता रहा हूं, आप देखते हो कि कोई घटना होती है, कमेटी बन जाती है जी। कमेटी उसमें अनुशंसा करती है, उस पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से कभी कोई कमेटी ये नहीं कहती कि हाँ, इस कारण से घटना हुई है। एक टोटालिटी में जरूर बात रखी जाती है, लेकिन CBSE ने ये कह दिया, पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था स्कूल के बच्चों को, चापाकल का बोरवेल का पानी पिलाया जाता था, विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए कोई रैंप नहीं था, स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई थी। तो आप ये देखो कि अस्पष्ट रूप से पिंटो परिवार, रियान स्कूल का मैनेजमेंट इसके लिए दोषी है, ये CBSE ने कहा। अब उसके बाद अब शिकंजा कसना बाकी था पिंटो परिवार और रियान स्कूल के मैनेजमेंट को जी। जी, रियान स्कूल बॉम्बे हाईकोर्ट गया जी, वहां उनको अंतरिम राहत मिली। हमने वहां इतना जबरदस्त विरोध किया उस जमानत का, हमने कानूनी तर्कों और कानूनी तथ्यों के साथ अपनी सारी बातें कोर्ट के सामने रखी और फाइनली उस पिटीशन को डिसमिस हुआ। ठीक है, हम न्याय की लड़ाई के लिए काफी हमें मशक्कत करनी पड़ रही है, हम करेंगे, हम कोई भी पत्थर फेंकने की, अंतिम पत्थर फेंकने की, हर उस प्रयास की कोई भी कमी नहीं रहने देंगे, और वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द जस्टिस जी। HRD मिनिस्ट्री ने अपना जवाब जो है वो अदालत को
आज उन्होंने भी सौंपा है, उसमें ये कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अदालत का जो डिसीजन होगा हम उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग दी है एफिडेविट के माध्यम से, और ये कहा है कि हम अंडरटेक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश बनाएगा, जिस भी तरह की रूपरेखा और कार्यशैली के रूप में एक एक अनुशंसा करेगा या उस पर कोई फैसला देगा या उस पर कोई नीति बनाएगा, हम उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। यानी आप ये देखो कि कितना बड़ा कॉज, जिसको वरुण ठाकुर, मैं वरुण ठाकुर के जज्बे को सलाम करता हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वो केवल अपने लिए न्याय के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज वो हर उस नौनिहाल, हर उस बच्चे की मुस्कुराहट, हर उस बच्चे का अस्तित्व, उसकी उसका भविष्य, उसका दांव, उसका कैरियर, उसका आगे जिंदगी में आगे बढ़ना, और एक बच्चा एक देश का भविष्य है, उस भविष्य को संवारने, सजोने और साथ साथ उसको सुरक्षित करने के लिए जो लड़ाई वरुण चंद्र ठाकुर ने प्रतिमन फाउंडेशन बना करके भी इस लड़ाई को लड़ने और अंजाम तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, जो बीड़ा उठाया है, मैं उसको सलाम करता हूं, वरुण चंद्र ठाकुर के इस संकल्प को, और हम कानूनी रूप से भी इस संकल्प को मजबूत करेंगे। अमूमन सर ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े शिक्षण संस्थान जो हैं, ये या तो इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है या फिर बहुत रूप से ये समृद्धशाली होते हैं, लेकिन जिस तरह से कानून का शिकंजा कसा है रायन परिवार पर, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो राजनीतिक कानूनी रूप से लाचार नजर आ रहे हैं, कम से कम इस घटना में? देखिए बहुत शर्म की बात है, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का माफियाकरण और शिक्षा को इन लोगों ने चौराहे पर एक वेश्या की तरह बैठा कर रख दिया है। शिक्षा देना एक पूंजीपति होने और पूंजी बनाने का माध्यम नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक फिलेंथ्रोफी है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है लाइफ का। आप शिक्षा एक समग्रता है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप एक भविष्य के लोगों और एक बच्चे के भविष्य को संवार रहे हैं और एक नया भविष्य बना रहे हैं जो राष्ट्र को चलाएगा, राष्ट्र का नवनिर्माण करेगा। और उसको हमने क्या बना दिया है, हमने एक पूरे के पूरे शिक्षा का, मैं कहता हूं कि वेश्याकरण कर दिया है। बहुत शर्म की बात है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कई ग्रुप है ऐसे, मैं एक ग्रुप पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो रियान स्कूल में जो घटना हुई है, आज आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रिपोर्ट है, सेबी की रिपोर्ट है, एसएफआईओ की रिपोर्ट है, और क्या रिपोर्ट है, कितनी विचलित और व्यथित कर देने वाली रिपोर्ट है कि रियान स्कूल एक मैनेजमेंट बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, वहां से पैसे निकालता है, शेयर कंपनीज बनाता है, उसके मार्फत से ब्लैक को व्हाइट करता है, मनी की पार्किंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, 200 स्कूलों का साम्राज्य, 5000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करता है। और कैसे खड़ा करता है सब, तो जहां से आप पैसे बना रहे हो वो पैसे आपको वहां के प्रबंधन में खर्च करने चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप उस पैसे को लेकर के आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ग्रीडनेस की एक हद होती है सब, लालच की अंधी दौड़ है, और नतीजा क्या होता है कि जो पैसे जहां से आप ले रहे हो अगर वहां का प्रबंधन नहीं करोगे तो इस तरह की घटनाएं रोज होंगी। सुरक्षा और संरक्षा और वहां की व्यवस्था के साथ जिस तरह की कंप्रोमाइज किया गया, समझौता किया गया, मैं कहता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है इस तरह की घटना का की निंदा करने के। अंतिम सवाल जो सर, एक महीने का जो सफर रहा है कानूनी दौपेच का, जो भी मसला है, चाहे वो सीबीआई जांच हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय या फिर मुंबई आप गए हैं, क्या इस तमाम चीजों से आप संतुष्ट हैं? देखिए अभी एक महीने में हमने कई कानूनी लड़ाई जीती है जी, और हमारा हौसला बुलंद है जी, हम काफी आगे बढ़े हैं, काफी काफी चीजों को हमने अंजाम तक पहुंचाया है, सीबीआई जांच शुरू हो गई है,
हाई कोर्ट की तलवार उनके ऊपर लटक रही है, पिंटो परिवार के ऊपर, रियान स्कूल के साथ साथ देश के जितने भी स्कूल हैं आज वो हर स्ट्रिक्टेस्ट स्क्रूटनी में और सब्जेक्शन में आ गए हैं सीबीएसई के। सीबीएसई ने हर किसी की ऑडिट शुरू कर दी है, आज तक सारे लोग चुप बैठे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो एक महीने में हमने पूरे के पूरे व्यवस्था तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। हम कानूनी लड़ाई को यहीं खत्म नहीं है, ये तो हमारा एक छोटा सा मुकाम भी नहीं है, इस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। ये लड़ाई हमारी सालों साल चलेगी और निश्चित रूप से न्याय की अंतिम सीढ़ी तक और अंतिम बुनियाद तक और अंतिम निष्कर्ष और निर्णायक दौर तक पहुंचाने में जो भी होगा हम उसको करेंगे जी। मिशन लीडर से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इशारा है सुशील टेकरीवाल और निश्चित रूप से कहबे गलत है जो एक महीना के जो न्यायिक जो लड़ाई रह रही है वही बहुत रास चीज जो है से अखन तक वरुण ठाकुर सुशील टेकरीवाल और वो तमाम आदमी जितला है और निश्चित रूप से जत्ते काल तक प्रद्युम्न के संगे संगे वो तमाम बच्चा जो एहन घटना के शिकार गलत है उनका न्याय नहीं भेटतन। ये लड़ाई जो है से जारी रहते चाहे वो प्रद्युम्न फाउंडेशन के माध्यम से हो या फिर व्यक्तिगत रूपे हुई। कैमरा सहयोगी दिगंबर शर्मा के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दिल्ली।